कार नहीं और तुम इस लौंडिया को थामो। उड़ा पिताजी, पिताजी मुझे छोड़कर मत जाइए मेरी जान। अरे ऐसा मत कीजिए मेरे पिताजी को मत। अरे पिताजी को जाने दे, तेरे पिता को कुछ नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से सुन पहले। कौन सी बात? सुबह हाँ। मेरी बात मान ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा हाँ। कौन सी बात ठाकुर साहब? कौन सी बात? जाना चाहती हूँ। हाँ। हर मिला ले मेरी जान, सीने से सीना मिले। तेरे चांद चेहरे पसो हेलो ठाकुर साहब, इस पर जंगल की तरफ ले चलते हुए ही वही जंगल की तरफ है, वही प्यार करना है। बोल मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं मानेगी। राम जी पागल ससुरी को पागल और उठा ले चल हवेली की तरफ। अरे शुक्र सिंह इस मुलजिम को लाओ। हेलो जंगल। हाँ मुलजिम हाजिर है। मुलजिम हाजिर है। यस सर। देखो एक हमारे थाने में नया कांस्टेबल आया है, हम उसको बुलाते हैं और उसको ड्यूटी लगाते हैं इसके साथ में कि ये भक्त छाने ना पाए। यस सर। इसी जगह ठहरो और इसको बुलाओ, इसे बांध दो कहीं भग ना जाए। और चाओ चाओ हमारे नए सिपाही को नटवर लाल को बुला के लाओ। अरे नटवर लाल, अरे नटवर कहे ये कौन से टावर से बोल रहे हो यार? जल्दी आइए, एसओ साहब बुला रहे हैं। आ रहे हैं। अरे अल्लाह दिनाए हमारे नसीब से।
दीजिए गमा। अरे कुछ भूल हो गई हो अगर मुझ गरीब से तो सरकार रूठता है, अरे जमाना भी रूठ जाए, अरे जमाना भी रूठ जाए, अरे पर आप रूठिए ना कहीं मुझ गरीब से। हाँ दोस्तों, मुझे चलना चाहिए थाने, क्योंकि मालूम नहीं थाने से मुझे बुलावा आया है, अब मुझे चलना चाहिए चौकीदार से मिलना है। और कैसे हो नेटवर लाल? एसओ साहब याद कर रहा है, अभी तक ड्यूटी पे इतना लेट आते हो, क्या करें यार, पहली बार ड्यूटी ज्वाइन किया है इसलिए लेट हो गया हूँ। नेटवर्क लाल, हाँ अब तो अब किसी के मोबाइल में नहीं घुसना। मोबाइल में? अरे नेटवर्क पकड़ाना था। नेटवर्क नहीं, मेरा नाम नेटवर्क लाल है बस, समझा तो मोबाइल के नेटवर्क। क्या चौकीदार, तुम ही वैसी बात करते हो। और सौ साफ मिलते हैं कहिए नेटवर लाल, कैसे हो? सब हम ठीक है, बोलो किस लिए बुलाए हो? हाँ हम तुम्हें इसलिए बुलाए हैं। किस लिए? एक मुस्लिम आया है। अच्छा, एक मुस्लिम आया है हमारे थाने में, हम एक बहुत जरूरी काम से जा रहा है, हम तुम्हारी ड्यूटी लगाते हैं। हम लोग बनारस जा रहे हैं। अच्छा, ड्यूटी तुम्हारी क्यों सर? नेटवर्क यही लगा दिया जाए। इनका नाम नेटवर है, हर बात में हर जगह बदतमीजी किया करते हैं। सर मालूम ना इनका नाम नेटवर्क क्यों पड़ गया है। यानी साहब एक खूंखार मुल्जिम है, उसको हमारे हवाले कर रहे हो? हाँ हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, तुम्हारी ड्यूटी लगा रहे हैं, वो यहाँ से भागने ना पाए और तुम उसकी देखभाल करना। सुनिए सरकार, बोलो बंदूक चलाना तो खूब आता है। ठीक है नेटवर, हाँ साहब हम बहुत जरूरी काम से ड्यूटी से जाना चाहते हैं। ठीक है आप जा सकते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, देखिए तुम यहाँ अच्छी तरीके देखभाल करना। बनारस में इलेक्शन आने वाला है, अब लोगों की पोस्टिंग वहाँ हो गई है, यानी तुम्हारी ड्यूटी वहाँ लग गई है। आप जानते हैं कि हम साहब दौड़े पे जा रहे हैं, हाँ। और तुम्हारी ड्यूटी यही रहेगी, और वो मुलजिम बहुत खतरनाक है। ठीक है, उसका नाम चंदन है, उससे संभल कर रहना, साला मेरी नटाई तक दाब देता है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, बाद में धोखा नहीं खा जाना। मेरी बंदूक भी, अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो बंदूक भी चलाना मुझे आता है। अगर भागने की कोशिश करे सीधा एनकाउंटर, अगर ये भागने की कोशिश करे तो तुम सीधा गोली मार देना। ठीक है, और ये बंदूक ये नेटवर्क को दे दो। नेटवर्क तुमको अब यही गड़े रहना है।
अबे घरे क्या यार चौकीदार तो भी यार खड़े रहना है ठीक है ठीक है हम जा रहे हाँ सर ड्यूटी अच्छी तरीके से ठीक है सर मैं तो जा रहा हूँ बाथरूम अरे मुलजिम जेल के बाहर आओ क्या है साहब यानी आपको गिरफ्तार करके लाए हैं और हम तुम्हारे बोलो क्या चाहते हो मैं क्या चाहता हूं मैं कुछ समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं आप मुझे किस लिए बुलाए हो हाँ, आखिर बात क्या है हम बुलवाए तुम्हें इसलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं मेरी मदद हाँ मेरी कैसी मदद करना चाहते हो मैं कुछ समझा नहीं तुम मेरी मदद करना चाहते हो मेरे कुछ बात समझ में आ नहीं रही है नटवर से क्या कहना चाहते हो तुम मेरी कैसी मदद करना चाहते हो आखिर तुम्हें कौन सी ऐसी दुख तकलीफ है जो उस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम मेरी कि आप घबराए नहीं कि आप घबराए नहीं तुम मदद में तुम्हें आप चिंता न करी तुम्हारी हथकड़ी छोड़ता हूँ मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो आपके साहब ने तो आपकी ड्यूटी लगाया है हाँ। और ये भी कहा है मैं सुन रहा था कि चंदन सिंह अगर भागे तो उन्हें एनकाउंटर में गोली मार देना मुझे यही लगता है कि तुम मुझे छोड़कर एनकाउंटर में मार देना चाहते हो क्यों नहीं आप मुझ पर भरोसा करें लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है कौन सी मजबूरी है मजबूरी वो मजबूरी तुम हल कर सकते हो एक तुम शेरे दिल हो मजबूरी हाँ मैं कुछ समझा नहीं आपकी कैसी मजबूरी है और मैं आपकी कैसी मजबूरी को हल कर सकता हूँ अगर मजबूरी जानना चाहते हो हाँ मैं तो मेरी बात को ध्यान रखना क्या कहना चाहते हो मेरे अमर बहादुर सिंह ठाकुर मेरे पिताजी हैं हाँ उनको ये विजय सिंह ने विजय सिंह वहां के नौकर थे हमारे पिता के यहाँ और हमारे पिताजी के मरने के बाद वो नौकर की जगह बल्कि वो बादशाह बना बैठा है जमींदार बना बैठा है और मुझे धक्के मार के भगा दिया और तुम ये वादा करो कि हम तुम्हें छुड़ाने के बाद हमें वो हवेली अगर मिल जाए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे ओहो तुम्हारे पिताजी जो अमर बहादुर सिंह थे हाँ उनके यहाँ ठाकुर विजय सिंह नौकरी करता था जी तुम्हारे पिताजी को धोखे से मार करके हाँ तुम्हारी हवेली तुमसे छीन लिया है और मुझे धक्के मार करके भगा दिए अपनी हवेली पाना चाहते हो हाँ अगर ये सब तुम्हें मंजूर हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपके हत्या खोल सकता हूँ सुनो मेरी बात बोलो अरे अगर हथकड़ी खोल दो और मानूंगा एहसान और तुम्हें हवेली दिलवाऊं चंदन दे रहा
जवाना। दे रहा जवान अगर तुम मेरी हथकड़ी खोल दो तो मैं तुम्हें जवान देता हूं कि एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी हवेली दिलवा करके रहूंगा। सुनो मेरी बात। हाँ सुनो मेरी बात नटवर। बोलो, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूं। बोलो क्या कहना चाहते हो। अरे समय नहीं है यार नटवर। हाँ अर समय नहीं है यार अर काम बड़ा ज्यादा है। समय नहीं है यार अर काम बड़ा ज्यादा है अर खोल दो हथकड़ी। नटवर सुन रहा हूँ। अर खोल दो हथकड़ी मैंने किया इरादा है। खोल दो हथकड़ी अगर तुम ठाकुर विजय सिंह से अपनी हवेली वापस पाना चाहते हो तो मैं भी वादा करता हूँ एक बार इस जेल से तुम मुझे आजाद करो और मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें विजय सिंह से तुम्हारी हवेली दिलवा करके रहूं। ठीक है सुनो। अरे छोड़ता हूं तुम्हें अरे छोड़ता हूं तुम्हें अरे हथकड़ी मैं आज और शेर दिल कहलाते हो अरे आज ये तुम्हारी है शेर दिल कहलाते हो। ठीक है हम तुम्हारी हथकड़ी खेलते हैं। ठीक है लेकिन एक तुम्हें शेर दिल हो कि हमारी तो हवेली दिला दोगे और हम तुम्हारे साथ होंगे। समय बहुत कम है जल्दी से मेरी हथकड़ी खोल दो आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। और ऐसा करो क्या है अपने थाने से एक कागज और कलम लाओ मैं बताता हूं क्या करना है। कागज और कलम मास्टर साहब कागज और कलम। कागज और कलम लाओ अभी लाते हैं कागज कलम। उसमें यह लिख दो कि डाकू चंदन सिंह जेल का गेट तोड़ करके भाग गया है। सुन रहे हो मेरी बात को। हाँ सुन रहे हैं। उसमें यह लिख दो कि डाकू चंदन सिंह जेल का गेट तोड़कर भाग गया है और मैं उसका पीछा कर रहा हूं और जब भी वो मेरे हाथों लगेगा मैं उसे पुनः थाने लेकर के आऊंगा। इसमें इतनी बात लिख दो। सारे डाकू चंदन सिंह ने जेल तोड़ करके फरार हो गया है और मैं उसका पीछा कर रहा हूं और ठीक इतनी बात लिखना ना। इसमें लिख दो कि जब भी चंदन मेरे हाथों लगेगा मैं उसे पकड़ कर आपके पास लाऊंगा। ठीक है मैं उसका पीछा कर रहा हूं और जब भी चंदन मेरा मेरे हाथ लगेगा और तब उसको गिरफ्तार करके मैं थाने पे लाऊंगा। नटवर इस खत को लिख देने से तुम्हारे जो साहब हमारे भाई इंस्पेक्टर नंदन सिंह हैं वो यही सोचेंगे कि चंदन बहुत ही खोखार है
जेल तोड़ करके भाग गया होगा, नटवर उसका पीछा कर रहा होगा। उन्हें उन्हें शक नहीं होगा कि नटवर भी चंदन से मिला हुआ है। मेरी नौकरी भी बची रहेगी, आपकी नौकरी भी बची रहेगी। आप इस खत को यहीं रख दो और उठाओ बंदूक और मेरे साथ चलो आगे, मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, आओ आओ आओ, चलते हैं। नटवर, अरे कहां मर गया नटवर? नटवर, अरे शुक्ला, शुक्ला, लेटरिंग। सर आप जानते कि पेचिस जा रही है सुबह से। देखो मैं नेटवर्क को आवाज दे रहा हूँ। नेटवर्क देखो कहाँ? एक मिनट सर, अंदर घुस के देखता हूँ। अंदर घुस कर देखो। क्या क्या हुआ? नटवर को कोई मोबाइल में घुस गया। क्या कहा? हाथकड़ी गैलरी में लॉकअप का ताला खुला, चंदन गैम नेटवर का पीछा कर रहा। नेटवर पीछा कर रहा सर? चंदन भाग गया सर। सर मेरा ट्रांसफर करवाइए सर। ये इलाका मुझको आप सुन, ऐसा है अगर नेटवर भाग गया है, चंदन भग गया है, नटवर वफादार है, वो उसका पीछा करता होगा सर। इसलिए सर, हाँ सर, सर ये थरिहान, लेकिन नहीं, उसको कामयाबी नहीं मिल पाएगी सर। ये थरिहान थाना से मुझको हटा करके सर हुसैनगंज थाना करो। क्या क्या होगा? नहीं सर, मेरे पेचिस जा रहे साला कहीं, चंदन सिंह साला मेरे और पेचिस जवाने लगे। ऐसा है, उसको कामयाबी नहीं होने देंगे। चलो उठाओ हथकड़ी। यस सर। और सर उठाओ हथकड़ी, हम इसका पीछा करते हैं। यस सर, हम उसे गिरफ्तार करेंगे। आइए सर, चलो उठाओ। नटवर देखो, हम लोग भागते भागते जंगल के बीचों बीच आ गए हैं। जंगल में तो आ गए। अब ऐसा करते हैं, क्या हम लोग अब इस भेष में नहीं रहेंगे, हम लोग अपना भेष डाकू का बनाते हैं और इसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। हम लोग डाकू का भेष बनाते हैं और फिर ठाकुर विजय सिंह की हवेली की तरफ चढ़ाई करते हैं। बोलो, अगर डाकू भेष बनाएंगे तो ये भेष मैं बताऊंगा सब कुछ, जो भी करना है घबराओ मत, अभी मेरे साथ चलो और आप और हम दोनों लोग डाकू का भेष बनाते हैं और नंदन से बच करके रहना है। नंदन जरूर हमारा तुम्हारा पीछा करेगा, उससे बच करके रहना है, वो पहचान ना पाए। आ चलते हैं, हम लोग डाकू का भेष बनाते हैं। बोल, छोड़ दीजिए मुझे। बोल, मेरा कहना करेगी या नहीं? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। शरी मेरा कहना मान ले, नहीं तो तेरी जवानी को बर्बाद करके रख दूंगा। सुबह और चार दिन की और जवानी, सुबह और चार दिन की जवानी, और मजे पाहों में मेरी समा।
चलता परवान हूँ प्यार का, चलता परवान हूँ आके सीने से हरे शोभा माताओ काटाओ कपड़ा लता शोभा अरम्भ कर आज मन चाहता हूँ क्या तेरा अरमान
मेरी जान अरे शोभा।